स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में क्लास फोर्थ का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम अभ्यास फोर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास फोर में। पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक वन में 48,281 हिरण तथा 32,642 खरगोश हैं, वन में कुल कितने जंतु हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर खरगोशों की संख्या कितनी हुई दी हुई है, 48,281, और खरगोश की संख्या दी हुई है 32,642। तो हमको यहाँ पर वन में कुल जंतुओं की संख्या बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न। हिरण कितने हैं बच्चों, अड़तालीस हजार 281। खरगोशों की संख्या 32,642, ठीक है। कुल जंतु, हमको कुल जंतु निकालना है। कुल जंतु निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हिरणों की संख्या में हम खरगोश की संख्या को जोड़ देंगे, तो हमारी क्या निकल आएंगी, कुल जंतु निकल आएंगे, ठीक है बच्चों। एक और दो कितना हो जाता है 3, 8 और 4 12, 12 की 2 हसिलाई 1, ठीक है। यहाँ पर 3 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 9, 8 और 4 10, 10 की 0 हसिलाई 1 और 4 5, 5 और 3 8, ठीक है। तो हमारे जो कुल जंतु निकल के कितने आए हैं बच्चों, 80,923, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। हिरणों की संख्या दी हुई थी हमको, खरगोशों की संख्या दी हुई थी, और कुल जंतु पूछे थे, तो हमने हिरणों की संख्या में खरगोश की संख्या जोड़ के कुल जंतु निकाल लिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के मध्य 24,896 का अंतर है, यदि छोटी संख्या 62,842 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हम मानेंगे, माना माना बड़ी संख्या ये है, बड़ी संख्या आप क्या माना है बच्चों 1, ठीक है, और छोटी संख्या 2 है, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर कितना दिया हुआ है हमको बच्चों, ये अंतर होता है, ठीक है। अंतर कितना दिया हुआ है 24,896, ये दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमको बड़ी संख्या दी हुई थी, यहाँ पर सॉरी छोटी वाली संख्या बी बराबर कितना दिया हुआ है 62,842, छोटी संख्या हमको दी हुई है, छोटी संख्या हमने क्या मानी है बी, बी बराबर कितना दिया हुआ है 62,842, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम ये हमको निकालनी है, ये ऐसे के ऐसी बी की जगह पर हम 62,842 लिख देंगे, ठीक है, बराबर में
जो संख्या लिखी हुई है उसको ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 62,842 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर, 62,842 का पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो ये बराबर के उस साइड पहुंच जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा कैसा बराबर के उस साइड कितनी संख्या है, 24,896, ठीक है। ये बराबर के उस साइड पहुंचेगी तो माइनस में है तो किस में पहुंचेगी, प्लस में, ठीक है बच्चों। जो संख्या माइनस में होती है वो प्लस में पहुंचती है और प्लस में होती है वो माइनस में, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 62,842। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारी जो नई संख्या है, जो बड़ी संख्या है, वो निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ते हैं हम साइड में, 62,842 नीचे लिखेंगे 24,896, ठीक है बच्चों। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8, 9 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 13, 13 की 3 हंसलाई 1, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 की 7 हंसलाई 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7 और यहाँ पर 8। हमारी जो बड़ी संख्या निकल कर कितनी आई बच्चों, 87,738, ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया हमको, यहाँ पर हमने बड़ी संख्या ए मानी, छोटी संख्या बी मानी। बड़ी छोटी संख्या हमको दी हुई थी तो बी बराबर कितना, 62,842 दिया हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ था 24,896, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर हमने बी की जगह पर जो संख्या दी हुई थी वो लिख ली, इधर बराबर के उस साइड जो संख्या थी वैसा का वैसा लिख लिया। फिर इनका 62,842 का पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर किया था जो माइनस में थी बराबर के उस साइड संख्या जिसमें पहुंची, प्लस में, और इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया, ठीक है बच्चों। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो सॉल्व हो गया होगा, अब इसको मैं रफ कर रही हूँ, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, किसी एक सैन्य दल में 5,436 सैनिक, दूसरे सैन्य दल में 2,346 सैनिक, 76 सैनिक तथा तीसरे सैन्य दल में 8,851 सैनिक हैं, क्रमशः 178, 291 और 372 सैनिक इन सैन्य दल में भर्ती हुए हैं। अब तीनों सैन्य दलों में कुल कितने सैनिक हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3। पहले सैन्य दल में सैनिक कितने हैं, पहले सैन्य दल में सैनिक 5,436, ठीक है। दूसरे सैन्य दल में 2,376, तीसरे सैन्य दल में सैनिक
तीसरे सैन्य दल में सैनिक कितने हैं बच्चों? 4,851। ठीक है, अब इसका हम पहले टोटल निकाल लेंगे, फिर जो नए भर्ती हुए हैं उनका टोटल निकाल लेंगे, और फिर जो पुराने सैनिक हैं और नए सैनिक हैं उनको टोटल कर देंगे, तो हमारे टोटल सैनिक निकल आएंगे। ठीक है, कुल सैनिक इन तीनों सैनिकों को हम जोड़ लेंगे, पहले और दूसरे तीसरे सैन्य दल के सैनिकों को जोड़ लेंगे। ठीक है बच्चों, 6 और 6 12 और 1 13, 13 की 3 हंसिलाई 1, यहाँ पर 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 की 6 हंसिलाई 1, यहाँ पर 1 और 4 5, 5 और 3 8, और 8 और 8 16, 16 की 6 हंसिलाई 1, यहाँ पर 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12। ठीक है, जो हमारे पुराने सैन्य हैं, पूरे पुराने सैनिक हैं वो कितने हैं? 12,663। ठीक है, अब नए कितने भर्ती हुए हैं वो निकालते हैं। नए सैनिक इसमें पहले सैन्य दल में कितने भर्ती हुए हैं? पहले में कितने हुए हैं? 178। दूसरे में 291 और तीसरे में 372। अभी टोटल कितने हैं उनको हम जोड़ के टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11, 11 की 1 हंसिलाई 1, यहाँ पर 7 और 7 14 और 1 15। ठीक है, 15 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 24, 24 की 4 हंसिलाई 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो जो नए तीनों दलों में कितने सैनिक भर्ती हुए हैं? 841। ठीक है, अब हम टोटल सैनिक निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों दलों में कुल सैनिक पुराने सैनिक प्लस नए सैनिक पुराने सैनिक कितने हैं बच्चों हमारे पास? 12,663। यहाँ पर हम लिखेंगे 12,663 और नए कितने निकाली हमने? 8,881। ठीक है, 841 सॉरी, नए कितने निकाली हैं? 841। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे जो तीनों दलों के सैनिक हैं वो निकल आएंगे। यहाँ पर 1 और 3 4। ठीक है, 4 और 6 10, 10 की 0 हासिल आई, 8 और 1 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15, 15 की 5 हंसिलाई 1, 1 और 2 3, 13,504। ठीक है, हमारे ये टोटल सैनिक निकल आए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यहाँ पर हमको जो पहले सैन्य दल में सैनिक दिए हुए थे, दूसरे सैन्य दल में और तीसरे सैन्य दल में, तो उनको हमने जोड़ के निकाल लिया। फिर जो नए भर्ती हुए थे, नए सैनिक भर्ती हुए थे, उनमें पहले में कितने हुए थे? 178, दूसरे में 291 और तीसरे में 372, उनको जोड़ लिया। फिर हमने तीनों दलों में कुल सैनिक जोड़ने की
निकालने के लिए पुराने सैनिक और नए सैनिक दोनों को जोड़ दिया तो हमारे जो कुल सैनिक थे वो निकल आए। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, प्रश्न नंबर 4। एक पॉलिट्री फॉर्म में 75,208 अंडे सितंबर में, 82,310 अंडे अक्टूबर में, 90,728 अंडे नवंबर में तथा 94,819 अंडे दिसंबर में हुए, तो इन चारों महीनों में पॉलिट्री फॉर्म में कुल कितने अंडे हुए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सितंबर में अंडे कितने हैं बच्चों? सितंबर में अंडे हैं 75,208। ठीक है, अक्टूबर में 82,310, फिर यहां पर नवंबर में 2 खड़ी लाइनों का मतलब होता है कि जो अंडे लिखे हुए हैं उसको सेम ऐसा कैसे नीचे लिखना है। ठीक है, नवंबर में कितनी है 90,728। ठीक है, और दिसंबर में 94,819। अब अपन को निकालना है चारों महीनों में कुल अंडे। कुल अंडे निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, जो चारों महीनों के अंडे हैं उनको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 8 और 8 16। ठीक है, 16 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 25। 25 की 5 हासिल आई 2। 2 और 0 का कोई वैल्यू नहीं होती, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 की 6। यहाँ पर 2 और 3 5, 5 और 7, 5 और 7 हो जाएंगे 12। ठीक है, 12 में हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 12 और 8 हो जाएंगे 20। ठीक है, 20 की 0 हासिल आई 2। 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 की 3 हासिल आई 1। 1 और 7 8, 8 और 8 16, 34। बच्चों यहाँ पर जो इनको हम जोड़ेंगे, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 32 में 2 2 बार जोड़ देंगे, 32 से 33 34। ठीक है, यहाँ पर 34 का 34 हो जाएगा, तो हमारे जो कुल अंडे निकलकर कितने आए हैं, 3,43,065। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर हमने सितंबर के अंडे लिखे, अक्टूबर के अंडे लिखे, नवंबर में, दिसंबर में, और उन सभी को जोड़ दिया तो हमारे जो टोटल अंडे हैं वो निकल आए।
अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, 2007 में 38,247 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, 2008 में 5,325 अधिक छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो दोनों वर्षों में कुल कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है बच्चों, तो ये वाला सवाल हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है उसको सॉल्व करते हैं। दो हजार सात में छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, कितने छात्रों ने उत्तीर्ण की है बच्चों? 38,240। ठीक है, अब उसमें दिया हुआ है कि 2008 में 5,325 अधिक छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो दोनों वर्षों में कुल कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। तो 2008 में कितने बच्चे हुए हैं बच्चों? 325 अधिक छात्रों ने, तो हम अधिक निकालने के लिए क्या कर देंगे, जो हमारे जो 2007 के छात्र दिए हुए हैं उनमें 5,325 छात्र और जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो कितने के निकल आएंगे? हमारे 2008 के छात्र। ठीक है, तो 2008 में कितने बच्चों ने उत्तीर्ण की है? यहाँ पर 5 और 0 की 5, 2 और 4 6, 3 और 2 5, 8 और 5 13 की 3, हासिल आई 1। तो बच्चों 2008 में कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है? 43,565। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? दोनों वर्षों में कुल उत्तीर्ण छात्र दो हजार सात में कितने हैं? 38,240। और 2008 में कितने हैं बच्चों? 43,565। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल निकल आएगा। ठीक है, 5 और 0 5, 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल आई, 5 और 1 6 और 2 8, 3 और 8 कितना हो जाएगा? 11 की 1 हासिल आई, 5 और 8 5 और 3 8। ठीक है, तो दोनों वर्षों में कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है? 81,805। ठीक है बच्चों, हमको 2007 में छात्रों की जो परीक्षा उत्तीर्ण की है वो छात्र दिए हुए थे, 2008 में 5,225 और अधिक छात्रों ने उत्तीर्ण की। ठीक है, तो उसमें हमने जो पिछले में उत्तीर्ण किए थे 38,240 से 5,325 जोड़ दिए तो हमारे 2008 के निकल आए। फिर हमको दोनों वर्षों में उत्तीर्ण छात्र निकाल लिए, 2007 और 2008 को के जोड़ के हमारे ये टोटल गेम वो निकल आए। ठीक है बच्चों,
अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, प्रश्न नंबर 6। एलईडी बनाने वाले एक कारखाने में जनवरी में 94,327 एलईडी का, फरवरी में 78,946 एलईडी का और मार्च में 105,226 एलईडी का उत्पादन हुआ। इन तीनों महीनों में कारखाने में कुल कितना एलईडी का उत्पादन हुआ? तो बच्चों चलो हम प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले हमको दिया हुआ है जनवरी में एलईडी का उत्पादन, जनवरी में एलईडी का उत्पादन कितना हुआ है बच्चों? 94,327। फिर उसके बाद दिया हुआ है फरवरी में, बच्चों इसको आप ऐसा के ऐसा लिखना, ठीक है? हम जो लाइन खींच रहे हैं इसका मतलब होता है इन लाइनों का जो ऊपर लिखा हुआ है वो आपको नीचे लिखना है, ठीक है? फरवरी में एलईडी का उत्पादन कितना हुआ है? 78,940, ठीक है? फिर आगे दिया हुआ है मार्च में, मार्च में एलईडी का उत्पादन कितना हुआ है? 105,126, ठीक है बच्चों? अब हमको निकालना है तीनों महीनों में कारखानों में कुल एलईडी का उत्पादन। तीनों महीनों में एलईडी का उत्पादन ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा आंसर, ठीक है? यहाँ पर 7 और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों? 13, ठीक है? 13 और 6 कितने हो जाएंगे? 19, ठीक है? 19 की 9 हासिल आई 1, 1 और 3, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल आई 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 5 14, 15, 16, 17, 18, 18 की 8 हासिल आई 1, 1 और 9 10, 10 और 7 17, 17 की 7 हासिल आई 1, 1 और 1 2, ठीक है बच्चों? तो तीनों महीनों में एलईडी का उत्पादन कितना हुआ है? 2,78,399, यही हमारा आंसर है, ठीक है? समझ में आया? इसी प्रश्न के साथ हमारा ये अभ्यास 4 था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है?